नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एएसके न्यूज में। अभी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। रॉबिन उथप्पा ने कहा क्रिकेट को अलविदा, सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया। वह अब आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के अपडेट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, रॉबिन उथप्पा ने इंटरनेशनल, घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से भी संन्यास ले लिया। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की जानकारी देते हुए लिखा कि अपने देश और अपने राज्य कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान रहा। हालांकि सभी अच्छी चीज़ों का अंत होना चाहिए। मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। वहीं दोस्तों, उथप्पा का आईपीएल कैरियर की बात करें तो रॉबिन उथप्पा आईपीएल के पहले संस्करण से खेल रहे हैं। उन्होंने आईपीएल में कुल 205 मुकाबले खेले हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड साबित करते हैं। उथप्पा ने 197 आईपीएल पारियों में 4952 रन बनाए। आईपीएल में उथप्पा के नाम 27 अर्धशतक, 182 छक्के और 481 चौके शामिल है। दोस्तों, 36 साल की उम्र में क्रिकेट से लिया संन्यास। कर्नाटक में जन्मे रॉबिन उथप्पा घरेलू कर्नाटक के लिए ही खेलते थे। उन्होंने साल 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी। रॉबिन उथप्पा भारत की स्पिनिंग 11 में शामिल थे, जिसने 2007 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो रॉबिन उथप्पा ने 46 वनडे और 13 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबले देश का प्रतिनिधित्व किया। उथप्पा ने वनडे की 42 पारियों में 934 रन और 12 टी20 पारियों में 249 रन बनाए। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। इसी तरह की और अपडेट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।